आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के निवासी साई राम की, जिन्हें लोग सिल्वर गांधी के नाम से जानते हैं। सिल्वर गांधी एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी है जो सभी बाधाओं के साथ भारत की लंबी चौड़ाई में स्वच्छ भारत अभियान का संदेश फैला रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के संदेश को अपने छोटे तरीके से फैलाते हुए उन्होंने नंगे पैर लगभग 7 राज्यों का सफर तय कर चुके हैं। गांधी के पोशाक में उनके शरीर पर चांदी के रंग के साथ महात्मा गांधी के रूप में सबसे लंबी यात्रा विश्व रिकॉर्ड भी है। वह अब तक के चलने में भारत को साफ नहीं देख लेते तब तक उनकी यह मुहिम लगातार चलती रहेगी। आपको बता दें कि 2016 से इनकी यात्रा शुरुआत हो चुकी है और अब ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ पहुंचे हैं। चुनाव को लेकर आज एक नई चीज़ सामने आ रही है कि अब महात्मा गांधी कांग्रेस का साथ छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जगह जगह जाकर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारे सामने कुछ शख्स मौजूद है, उससे पहले परिचय जानता हूँ। पहले मैं आपका नाम और कहाँ से है बताइए। मेरा नाम है साईराम, मैं उड़ीसा का हूँ और मैं पूरी भारतवर्ष में पैदल यात्रा करता हूँ देश के लिए, स्वच्छ भारत। आपने गांधी जी का गेटअप ही क्यों इस्तेमाल किया, और भी है स्वच्छता के बारे में बोले तो गांधी जी का नाम पहले आता है, क्योंकि उन्होंने बोले हैं कि स्वाधीनता से सबसे बड़ा है स्वच्छता, जिसको मोदी जी ने समझा और लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया और उसको जन आंदोलन बनाने के लिए लग पड़े हैं। और उसको ले कर मैंने संकल्प ठान लिया, मैं और मेरा गुरु जी दोनों मिल के हम पूरी पैदल यात्रा करते हैं और पैदल यात्रा करके लोगों को डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, कैसे सोच बने और कैसे शांति बने, हमारा भारत कैसे मजबूत भारत बने, उसको लेके हम आगे जा रहे हैं। ये कब से शुरुआत हुई है आपकी? मैं 2016 से अब तक पैदल यात्रा करता हूँ पूरे भारतवर्ष में, आज लखनऊ में आके पहुँचा हूँ और मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करूँगा और स्वच्छता के बारे में बोलूँगा। लगभग कितना सफ़र तय कर चुके हैं? मैं लगभग 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका हूँ, 2000 किलोमीटर और 7 स्टेट में कवर कर चुका हूँ और सबसे मिल चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ हमारा भारत कैसे आगे बढ़े। इससे पहले यूपी के अलावा और किन किन राज्यों में आपने पैदल किए? मैं पूरी पैदल यात्रा हर जगह में करता हूँ, आज लखनऊ में आके पहुँचा हूँ और यूपी के अलावा पूरी भारतवर्ष में। अच्छा, यहाँ पर लखनऊ में और कहाँ कहाँ अभी आपकी हुई है बात? मैं पूरी भारतवर्ष में पैदल यात्रा करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और उसको आगे लेके जाऊँगा, भारत को आगे बढ़ाएंगे। कैंपेनिंग की तो अभी तक किस लोगों से मुलाकात हुई है? मैं राष्ट्रपति जी से भी मेरा मुलाकात हुआ है और सबसे भी मेरा मुलाकात हुआ है, और उड़ीसा से पैदल यात्रा करने के ये मेरे वजह है कि हर युवा मोदी जी के साथ जोड़े और योगी जी के साथ जोड़े और हमारे भारत को आगे बढ़ाए और 1 घंटा देश के लिए सब सोचे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये हमारी बात हुई है महात्मा गांधी जी से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग और उनको चुनाव में जीतने के लिए मुहिम चलाई है, और अब तक ये 2016 से लगभग लगातार पैदल चलते आ रहे हैं। आगे इनकी और कहाँ तक मुहिम चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।